दिल्ली में बढ़ती गर्मी और बढ़ते जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक दिन के लिए और टल गई। यानी अब गुरुवार को जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पीडी वराले की खंडपीठ, अवकाशकालीन पीठ, इस मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन बुधवार की सुनवाई इस मामले में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार को कोर्ट ने फटकार लगाई। फटकार इसलिए कि दिल्ली सरकार से कहा गया कि हरियाणा ये कह रहा है कि वहां से आने वाला पानी उसके 52% से ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, यानी हिमाचल से आया हुआ पानी जब हरियाणा के रास्ते दिल्ली तक पहुंचता है तो उसमें 52.2% पानी बर्बाद होता है। और ये भी कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट भी हम देख रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ टैंकर माफिया चल रहा है और पानी लोगों को मिल नहीं पा रहा, पानी की बर्बादी हो रही है। तो दिल्ली सरकार ये बताए कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं और कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, उसकी एक एक जानकारी दे। कोर्ट ने सरकार से दिल्ली सरकार से कहा है कि वो आज बुधवार शाम 4 बजे तक इस मामले में सारी जानकारी अदालत को दे। गुरुवार को इस मामले में विस्तृत रूप से सुनवाई होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार से कहा कि पहले आपने ये कहा था कोर्ट के सामने कि वो आपके पास अतिरिक्त पानी है और वो आप दिल्ली सरकार को देने वाले हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है, तो ये कोर्ट को गुमराह करने के लिए गलत बयानी क्यों है, इन पर जवाब मांगा है। और गुरुवार को होने वाली सुनवाई वाकई काफ़ी गंभीर भी होगी और दिलचस्प भी होगी, क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी सफाई देगी और दिल्ली सरकार ये बताएगी कि आखिर उसने पानी की बर्बादी रोकने के लिए अब तक क्या किए हैं। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड की ओर से कहा गया कि मीडिया में कई तस्वीरें और वीडियो ऐसे आते हैं जिसमें हमारे जल बोर्ड के टैंकर होते हैं उन्हीं पर ही आरोप लगाया जाता है, लेकिन कोर्ट ने कहा जबानी जमा खर्चे कुछ नहीं, आपको हलफनामे में सारी जानकारी देनी होगी। और दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि वह हलफनामा दाखिल करने को तैयार है। अब देखते हैं हलफनामे में क्या चीज़ आती है और उससे कोर्ट कितना संतुष्ट रहता है। यानी प्यासी दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए हिमाचल से आ रहा पानी अब तक तो पहुंचा नहीं है, जो सामान्य पानी रेगुलर आ रहा है वही पानी अब यहां तक पहुंच रहा है। यानी जो ये कहा गया था कि अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी रोजाना 1 महीने तक दिल्ली को मुहैया कराया जाएगा, वो पानी अभी तक आ नहीं रहा। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बीच किए गए करार को लेकर अगर हम बात करें तो कई वर्षों पहले ये करार, ये लगभग 25 साल पहले ये करार हुआ था जिसमें कहा गया था कि एक निश्चित मात्रा में 4 करोड़ रुपए सालाना सरकार लेगी हिमाचल प्रदेश सरकार और उसमें दिल्ली को पानी की आपूर्ति की जाएगी जो हरियाणा के रास्ते आएगा। अब दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हरियाणा सरकार उनके पास पानी आने नहीं दे रही, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये डेटा आया है कि उन्होंने अतिरिक्त पानी छोड़ा ही नहीं है। यानी ये जो गड़बड़ है इस पर गुरुवार की सुनवाई में स्पष्टता आएगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।